हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक माउथ ऑर्गन का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। यह ईस्टटॉप कंपनी का क्रोमेटिक हारमोनिका है। मैं बहुत दिनों से इस माउथ ऑर्गन को ख़रीदना चाहता था, तो मैंने अमेजन से मंगाया था और आज ही ये आया है थोड़े देर के पहले। तो इसका मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं। मैं आपको इसका फ़ीचर्स दिखाऊंगा और इसका प्राइस बताऊंगा और डिटेल्स में इसका आपको मैं इसका फ़ीचर्स बताऊंगा और साउंड भी इसका आपको मैं सुनाऊंगा किस तरह का है। ठीक है, तो पहले इसे मैं खोलता हूँ, इसे मैं काट देता हूँ। ये मैंने खोल दिया। ये इसके अंदर इस तरह का ये पैकिंग है, देखिए ये बॉक्स है। और इसके साथ एक वाइप करने के लिए, साफ़ करने के लिए मुझे ये मिला है। और ये इसके साथ ये एक पेपर है जिसमें इस टॉप का ये फ़ोटो लगा हुआ है और कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं। ये बॉक्स है, इससे ये देखिए किंग ड्रीम, ये किंग ड्रीम मॉडल है T12 18K। ठीक है, इसे मैं खोलता हूँ। ये देखिए ये किंग ड्रीम T12 18K, ये ईस्टटॉप का माउथ ऑर्गन है। इसे मैं खोलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये इन्होंने ये बॉक्स दिया है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है, अच्छे क्वालिटी का भी लग रहा है। और इसके अंदर ये हारमोनिका। ठीक है, तो ये फर्स्ट लुक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस टॉप का बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है देखने में। इसका जो ग्लेज है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ग्लेज है, फिनिशिंग बहुत अच्छा है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है, एकदम जितना वेट होना चाहिए हाथ में पकड़ने के लिए उतना है। और ये स्लाइडर बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ है। सामने का मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये 12 इसमें होल्स हैं और स्लाइडर दबा देंगे तो ये दूसरा विंडो खुल जाता है, शार्प वाला विंडो खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबरिंग किया हुआ है होल्स का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये है इस टॉप का क्रोमेटिक माउथ ऑर्गन। तो पहले मैं आपको जो ऑक्टेव होते हैं, मैं आपको लोअर ऑक्टेव का सुनाता हूँ आवाज़, मिडिल ऑक्टेव में आता हूँ, हायर ऑक्टेव में, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एयर टाइटनेस बहुत अच्छा है और होंठों पे बहुत अच्छा स्लाइड हो रहा है क्योंकि ये बहुत स्मूथ है। ये जो सामने का पोर्शन जो आपके मुंह के अंदर जाता है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सॉफ्ट है। एक आपको गाना सुनाता हूँ, तो आपने इसका आवाज़ भी सुना, आवाज़ बहुत ही अच्छा है, लाउड है, बहुत ब्राइट आवाज़ है। तो मैंने इसके पहले जो क्रोमेटिक हारमोनिका बजाया है, सुजुकी का सॉन्गस्टर में बजाया था, तो उससे थोड़ा सा इसकी आवाज़ और ब्राइट लग रही है मुझे। ठीक है, अच्छा, तो इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स, इसे मैंने 4800 में ख़रीदा है, 4800, और ये मेड इन चाइना है, लेकिन बहुत ही चाइना का जो अच्छा कंपनी है जो माउथ ऑर्गन बनाती है, तो उस कंपनी का ये बनाया हुआ है। तो इवन दो इट इज़ मेड इन चाइना, बट द क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। और एक गाना मैं आपको सुना देता हूँ, Yeah।
तो आवाज़ तो आपने सुन लिया फ्रेंड्स, स्मूथनेस बहुत अच्छा है, एयर टाइटनेस अच्छा है, आवाज़ बहुत ब्राइट है, कॉस्ट मैंने बता दिया 4800, स्लाइडर का फंक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरे टेस्ट में तो ये माउथ ऑर्गन पास हो गया फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा लगा मुझे, साउंड बहुत अच्छा लगा और स्लाइडर फंक्शन बहुत ही अच्छा है और सब कुछ फीचर्स बहुत अच्छा, स्लाइड बहुत अच्छा कर रहा है, इसकी जो वेट है वेट भी एकदम रिजनेबल वेट है, तो एकदम बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, प्रीमियम क्वालिटी है, आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपका बजट 5000 के आसपास है तो ये माउथ ऑर्गन बहुत ही अच्छा माउथ ऑर्गन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अमेज़न से 4800 में आप इसे मंगा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स मुझे बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।